जिस बात का डर था वही हुआ। कन्नौज में सपा चीफ को घेरने के लिए भाजपा ने चल दी बड़ी चाल। यादव नेताओं को मैदान में उतारकर सेंधमारी की कोशिश। अखिलेश को कन्नौज में उलझाने का बनाया गया है प्लान। सपा भी पलटवार की तैयारी में। इन दो बड़े नेताओं को भाजपा ने कन्नौज भेजा, सौंपा गया गुप्त मिशन। अखिलेश यादव ने भी बुलाई मीटिंग। अखिलेश यादव ने जब से कन्नौज से नामांकन किया है, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह से उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। कन्नौज लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक जहां अलग अलग तरह से बयान दे रहे हैं, वहीं पार्टी आलाकमान ने अब कन्नौज में बड़े नेताओं की फौज जुटा दी है। अखिलेश यादव के विजयी रथ को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को कन्नौज भेजा जा रहा है। एक हफ्ते में उनके दो कार्यक्रम हैं और वो कन्नौज पहुंचकर यादव वोटों में सेंधमारी की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार और भाजपा के ही नेता मनीष यादव भी कन्नौज में डेरा डाल चुके हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के जीत का रथ रोकने के लिए अलग अलग तरह से चक्रव्यूह रच रही है। यही वजह है कि भाजपा ने यादवों में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को कन्नौज में ही रोकने का मन बना लिया है, ताकि अखिलेश यादव कन्नौज में फंसे रहें। भाजपा का मानना है कि मोहन यादव के आने से कन्नौज में असर पड़ेगा और इस सीट पर अखिलेश यादव कमजोर हो जाएंगे। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि वो कन्नौज में ही रहेंगे जब तक कि वोटिंग नहीं हो जाती। चुनावी प्रचार तक वो यहां डटे रहेंगे और अखिलेश यादव को हार का स्वाद चखाकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों के मन में अखिलेश यादव के परिवार बात को लेकर रोष है। वो सिर्फ यादवों के अकेले नेता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी यादवों को अच्छा मौका दिया है। मनीष यादव ने कहा कि वो जिन लोगों से भी मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सांसद तो चुने जाएंगे लेकिन यहां फिर से वापस लौटकर नहीं आएंगे। लोग इस बात को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ यादवों में अखिलेश यादव ही परिवार में नेता हैं? उन्होंने कहा कि जिन 5 सीटों पर यादव उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं वो सिर्फ उनके परिवार के ही लोग हैं। क्या यादवों के परिवार के बाहर बाकी किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? यादव वोटर्स के बीच जाकर भाजपा के यादव नेता तरह तरह से अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने आज एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो पार्टी के नेताओं के साथ मंथन करेंगे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।